हरिओम। सनातन धर्म में सूर्य अर्घ सिर्फ एक रिचुअल ही नहीं है, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है और उसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। सनातन धर्म में पंच तत्वों को प्रत्यक्ष देवता माना गया है, इसीलिए सूर्य को सविता देवता कहते हैं। इनफैक्ट जैसे शैविज्म है, शाक्ताज है, ऐसे ही एक ग्रुप है, एक संप्रदाय है जो सूर्य की पूजा करते हैं, जिनको सौर्य बोला जाता है। सूर्य सिर्फ हमें रोशनी ही नहीं देता, लाइट ही नहीं देता, इनफैक्ट वो सोर्स है लाइफ का। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ को बिना सूर्य के। तो समझते हैं सूर्य अर्घ सही तरीके से देना कैसे है। तो हम कॉपर के बर्तन में हम जल भरते हैं। आपकी इच्छा है आप उसमें पुष्प डाल सकते हैं, तिलक डाल सकते हैं, बट अगर नहीं है ये सब तो आप सिंपल जल भरें। सूर्य उदय के समय मेक श्योर आप नहा करके साफ कपड़े पहने, बहुत जरूरी है ये। सूर्य उदय होते के टाइम पर आप अपने टोस पर, नंगे पैर अपने टोस पर खड़े होते हुए हाथों को अपने सर से ऊपर ले जाएंगे और धीरे धीरे जल की धारा बहाते हुए थ्रू दैट जल की धारा सूर्य पर त्राटक करेंगे। जब आप ये प्रक्रिया कर रहे हैं आप इसको बहुत स्लो करेंगे, 2 से 3 मिनट ये प्रक्रिया चलनी चाहिए। ड्यूरिंग दिस प्रक्रिया आप मंत्र चांट करेंगे, आप गायत्री मंत्र बोले, सूर्य मंत्र बोले, आदित्य सूत्रम, तो जो आपको मंत्र आता है वो एक मंत्र। अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है आप सिंपल ओम सूर्याय नमः या सिंपल ओम चांट भी कर सकते हैं। ये प्रक्रिया करने के बाद जो जल है उसको आप अपने मस्तिष्क पर लगाएंगे, अपनी आंखों पर लगाएंगे और 2 से 3 मिनट, हो सके ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट अगर पॉसिबल है, तो आप वहां पर बैठेंगे और अपनी बॉडी को ढीला छोड़ करके सूर्य पर ध्यान करते हुए सूर्य की ऊर्जा को आप लेंगे। अब ये प्रक्रिया क्यों जरूरी है इसके साइंस को समझते हैं। सूर्य जिसको सविता देवता कहा गया है, जो सिर्फ एक लाइट सोर्स ही नहीं है, लाइफ सोर्स भी है। जब हम सूर्य अर्घ देते हैं उसके पीछे हर एक जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत बड़ा साइंस है जो हमारे लिए बेनिफिशियल। जैसे सूर्य अर्घ देने का टाइम है सनराइज का टाइम, क्योंकि जब सूर्य उगता है तो उसकी जो किरणें हैं वो रिच सोर्स है विटामिन डी की, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सूर्य अर्घ हमेशा नहा करके क्यों देते हैं? नहाने से हमारे जो स्किन पोर्स है वो खुल जाते हैं, जो विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में ज्यादा हेल्पफुल है। अगेन हमारी हेल्थ के लिए, हमारे बोन्स, हमारे मसल्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। हम सूर्य अर्घ देते समय नंगे पैर देते हैं और टोस पर खड़े होकर देते हैं। अब यहाँ पे नंगे पैर एक्यूप्रेशर का काम करता है। आप उसको घास के ऊपर खड़े होकर दे रहे हैं या कच्चे प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर दे रहे हैं, और जब टोस पे खड़े हो रहे हैं तो हमारे काफ मसल को, एंकल जॉइंट को स्ट्रेंथन करता है। ठीक उसी तरह हम सूर्य अर्घ कॉपर के बर्तन में देते हैं। अब कॉपर का तो हमें सबको इम्पोर्टेंस पता ही है, जब जल को कॉपर वेसल में भरते हैं तो कॉपर वाटर हो जाता है, और थ्रू दैट वाटर जब हम सूर्य पर त्राटक करते हैं तो वो जो लाइट है वो हमारी आईज के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। यहाँ पर कलर थेरेपी भी हो रही है। कैसे? तो जब आप सूर्य अर्घ दे रहे हैं, जब लाइट पड़ती है पानी में वो 7 कलर्स में स्प्लिट होती है और कलर थेरेपी की तरह हमारी बॉडी को हील करती है। सूर्य अर्घ जब हम दे रहे हैं हम मंत्र चांट करते हुए देते हैं, गायत्री मंत्र हम करते हैं या सूर्य भगवान के मंत्र को चांट करते हैं, आदित्य सूत्रम, जो आपको आता है। यहाँ पे मंत्र बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मंत्र क्योंकि साउंड है तो हमारे मेंटल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा है। जब आप सूर्य अर्घ दे रहे हैं तो एकदम जल्दी से या तेजी से नहीं देना है उसको, जितना धीरे, एटलीस्ट ये प्रक्रिया 2 से 3 मिनट जाए और आप त्राटक करें, तभी ये आपके लिए हेल्पफुल है। सूर्य अर्घ देने के बाद थोड़ी देर आप वहाँ खड़े रहें ताकि जो सूर्य की किरणें हैं आपका शरीर उसको एब्जॉर्ब कर सके, उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर सके। तो नेक्स्ट टाइम जब आप सूर्य अर्घ करें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। कोशिश कीजिए कि आप अगर इसको हर रोज कर सके, पर अगर आप हर रोज नहीं कर सकते हैं एटलीस्ट एक दिन वीक में, स्पेशली संडे को अगर आप करेंगे, यू विल सी लॉट ऑफ चेंज, सिर्फ आपके फिजिकल बॉडी में ही नहीं, आपके मेंटल बॉडी में, इनफैक्ट आपके वर्क लाइफ में भी आप बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखेंगे। हरिओम तत्सत।